सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज शशिकांत हियर। मैं अपना ब्लॉग आज का अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का मौसम कम्प्लीटली एकदम ज्यादा खराब है और आपको दिखा सकता हूँ कि हियर वी गो। ये देखो सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर बारिश ही बारिश। तो बारिश, सॉरी तो बारिश हो रही है। अभी मैं किसी को ठोक दे रहा, मैंने पीछे नहीं देखा और डायरेक्टली बैक साइड आया और बारिश पे बारिश ही हो रही है और सीन पूरा भीग चुका है। स्विमिंग पूल का हालत क्या है चल चेक करते हैं। भाई शशिकांत सीन लीक हो जाएगा ज्यादा कूदेगा तो। एक दो तो स्विमिंग पूल का हालत, स्विमिंग पूल कब भरेगा? नहीं भरेगा क्योंकि उधर पे वो शेड लगा हुआ है, शेड की वजह से पानी अंदर नहीं जाएगा। और मे बी ये ईयर चालू कर देंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक महीने के बाद में। अभी ये नहीं पता है, खाली ऐसे उड़ती उड़ती हुई न्यूज आई है तो जाते रहिए भाई, जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे नहीं तो। सब लोग स्कूल के बच्चे सारे जा रहे, बाय 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 बाय, पढ़ाई करके आना अच्छे से। तो सब लोग जा रहे हैं, आई जस्ट आई एम वेटिंग फॉर माय बस, देन आई थिंक आ गई होगी। अरे हमको लगा कहीं और है, चलो बाय। मेरे को लगा आज उधर खड़ी करोगे इसलिए मैं वेट कर रहा, अभी तक आई क्यों नहीं। चले गए बैठ गए अभी। बस की हालत तो देखो कदम खराब हो रखी है और बारिश बारिश भैया बारिश, कुवैत में दबा के बारिश चालू है, आप लोग देख सकते हैं भाई। और ठंडी भी अच्छी खासी लग रही है। मैं इसलिए कैरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में बैग नहीं है, मैं अपना टिफिन ही कैरी कर लूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मगर सीन कुछ ऐसा हो रखा है यहाँ पे, बारिश ही बारिश बारिश। तो नवंबर में के महीने में इंडिया में कहाँ वहाँ पे ठंडी पड़ रही है और यहाँ पे कहाँ बारिश हो रही है। चलो जाते हैं अंदर, अपना काम स्टार्ट करते हैं और फिर वही लाइफ है डेली, आपको यही दिखाऊंगा। ये पेट्रोल पंप है और इधर कचरा फेंकते हैं और यहाँ पे है ना ड्राइव थ्रू से ऑर्डर लेते हैं। मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ फिलहाल के लिए, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँ घर से। तो आप लोग सपोर्ट करना यार, आपका बंदा एक जरूर निकलेगा यार, छुट्टी वुट्टी पे मिलेगी तो जरूर जाएंगे घूमने के लिए। क्या तुम तो पेट्रोल पंप दिखा रहा हूँ खाली, ये जो सऊदी का हाईवे का रोड दिल्ली बताता हूँ, यही है मेरी लाइफ और कुछ नहीं। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ कुछ लोगों से ब्लॉगिंग को लेकर, मैं बताऊंगा बाद में आपको। अभी जाता हूँ अपना काम शुरुआत करता हूँ, कुछ देर हो रहा है, बाय। तो काम बहुत सारा बाकी है, खत्म करता हूँ फिर बाद में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बहुत सारा काम करना बाकी है, अभी तो टाइम लैप्स को आपने एंजॉय किया होगा राइट, मिलते हैं बाद में बाय। तो अभी लंच में मैं एप्पल ले रहा हूँ और बाय द वे मेरा लंच खत्म हो चुका है, तो ये एप्पल अब शाम को खाऊंगा। आज खाना तो लाया नहीं हूँ तो एप्पल खा के जिंदा रहना है, अभी भूख नहीं लगी है क्योंकि आज मैंने बर्गर खा लिया, खाना लेके नहीं आया था। तो कोई नहीं, जाते हैं तो जस्ट अभी ब्रेक खत्म हो गया है, लग रहा है आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा तो रेनिंग हो ही रहा है। आज मेरे को है ना पहली बार धूप देखने नहीं मिला है कुवैत में, आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आज मेरे को धूप देखने नहीं मिला है कुवैत में। तो फिलहाल तो कुछ भी ना, सूरज मामा दिख रहा है और यहाँ पे पूरा सुनसान है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये भाई ने जस्ट अभी ऑर्डर दिया तो अपन अभी चलते हैं। अपना ब्रेक भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है और ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छा लग रहा है, खाली चाय और जलेबी, सॉरी चाय और भजिया मिल जाता, पकौड़ा मिल जाता खा के, कितना मजा आता। और ऑलरेडी फैट तो हो ही रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और हो जाता है, मगर ये जो बारिश का मौसम है ना, आई मिस माई होम सच में। बारिश में क्या मजा आता था डिलीवरी करने में, भीग भीग के करो मगर बहुत अच्छा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखो वहाँ पे ड्राइव थ्रू चालू है, ऑर्डर ले रहे हैं। तो अभी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ और एक और बात शेयर करनी थी। इसी जगह पे, इस रेस्टोरेंट पे है ना, इस रेस्टोरेंट पे एक बंदा आया था मुझसे मिलने के लिए, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कंपनी में है और मैं उससे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरा बस है ना 7:30 बजे आ गया था और मैं चला गया था। और ये खबर मुझे आज पता चली क्योंकि जिस बंदे से मिला उस बंदे ने मेरे को आज ही बताया, मेरे रेस्टोरेंट के बंदे ने। तो इट वॉज वेरी गुड, थैंक यू भाई, सॉरी और मैं तेरे को नहीं मिल पाया। और जब भी आपने मुझे, मतलब आपने मेरे को कमेंट भी किया, लग रहा है मैंने आपको कमेंट का रिप्लाई भी किया है एंड नहीं मिल पाया, इट्स ओके, बट अपन कभी इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। और इतनी दूर से आप आए मेरे से मिलने के लिए यार, मेरे रेस्टोरेंट में खास करके,
थैंक यू सो मच आप आए, और जो भी हो रहा है डिलीवरी ड्राइवर के साथ में इसके ऊपर स्पेसिफिक जरूर वीडियो बना देंगे एक बार कभी। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरे को लेट हो रहा है, मेरा ब्रेक खत्म हो गया, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो आपको बता दूं सीन मुझे था, मैं आज जा रहा हूँ ड्राइवर की कार में घर पर, क्योंकि मेरी बस निकल गई और यहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया था। तो कोई नहीं, यहाँ पे ड्राइवर और यहाँ पे बॉस मतलब मैनेजर, तो जा रहे अब जाते हैं घर पे और बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय बर्गर किंग, विल सी यू लेटर, मतलब कल हमें मिलेंगे, बाय 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 बाय, कल मिलेंगे, कल सुबह 8 बजे मिलेंगे आपको, बाय बाय बर्गर किंग। तो भाई अजीब सा फील हो रहा है मेरे को कार के अंदर, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, बाय। आ गए आप लोग, और आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, इसके लिए दिल से शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए और भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी घर पे आके देखो कैसा बैठा हूँ, तकिए हैं, एडिट कर रहा था, मम्मी की वीडियो एडिट हो गई है। अगर आपने मम्मी की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, एक बार जरूर देखना और बताना कैसा लगा। और मम्मी अपना काम कर रही है, जैसे भी कर रही है तब बढ़िया है, मेरे पास में आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था कि एक सब्सक्राइबर आए थे और हमसे मिलने के लिए, बट हम उनसे मिल नहीं पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं उनसे बाद में जरूर मिलूंगा और वो कभी जरूर आएंगे हमसे मिलने के लिए। एंड बस बाकी सब बढ़िया है कुवैत में, अभी ठंडी का मौसम चालू है, बस ठंडी हो रखी है और कुछ नहीं, आप लोग आना ठंडे कपड़े और गर्म कपड़े जो भी आपको अपने लगे वो सब लेके आना। और एक बंदे ने मुझसे कहा था कि यार प्लीज़ हमें बता दो कि कौन सी चीज़ें कुवैत आते वक्त हम लेके आए जो कि हमारे लिए बेनिफिट हो, क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेके आ सकते हैं, पर्सनल थिंग तो हमें पता है, अंडरवियर वगैरह बनियाइन चड्डी ये सब लेके तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आना ही पड़ेगा नहीं तो पहनोगे क्या। एंड कौन सी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, और हाउस ड्राइवर के ऊपर कब से मैं बोल रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को आप उन हाउस ड्राइवर के ऊपर बैठ के इतने नाम से मैं भी शूट कर ले रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी, तो ये दो वीडियो कंबाइन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो अभी इस वीडियो को पहले ख़त्म करता हूँ, इसको एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, और आपको हाउस ड्राइवर के ऊपर सिंपल खाली बात करेंगे, आप उन खाली बातें होगी, उसमें कुछ नहीं जाना ना आना, तो आपको बेटर वे में समझेगा। तो मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, दूसरी वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, और आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यही होती है नॉर्मल मेरी जो लाइफ है मैं आपके साथ सामने रख रहा हूँ, खास करके मेरी मम्मा मेरा वेट कर रही है, और मेरी दीदी के बर्थडे वाले को आप लोगों ने देखा, दीदी को विश किया कुछ लोगों ने, बहुत दिल से शुक्रिया भाई लोग, थैंक यू सो मच। और फिलहाल तो अभी मेरे पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग में एक ही टॉपिक चल रहा है कि मैं फटाक से पहले हाउस ड्राइवर के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके साथ में शेयर करना है जो लोग ड्राइवर में आ रहे हैं। तो चलो मैं खत्म करता हूँ, तो वीडियो को यहीं पर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मेरे को पढ़ाओ, माय फैमिली, बाय। But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.